विद्यार्थी मित्रांनो, सायंकाळची शोभा या कवितेचा भावार्थ समजून घेऊया. सर्वप्रथम सायंकाळची शोभा या कवितेतील शीर्षकाचा अर्थ समजून घेऊया. सायंकाळची शोभा इसको उर्दू में कहेंगे शाम की खूबसूरती. तर आपण कविता वाचूया आणि कडव्यानुसार कवितेचा भावार्थ समजून घेऊया. पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर, पीले और सुनहरी रंग की जो कोली धूप है वो चारों ओर फैली हुई है. ओढ़ा नई सोने वाटे वाहुनिया दूर, ऐसे लग रहा है जैसे ओढ़ा यानी कि नाला जो है अपने साथ सोनेरी रंग की जो कोली किरने है, कोली धूप है, उसको क्या कर रहा है, बहा कर ले जा रहा है. झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल सोफेरी. दरख्तों ने सोने के ताज पहने हुए हैं, कुरनावर शेतात पसरला गुलाल सोफेरी. और जो कुरन है, कुरन को क्या कहते हैं, खुला मैदान जहां पर जानवर चरते हैं. तो कुरनावर शेतात पसरला, कुरनों पर खुले मैदान में हर जगह क्या फैला हुआ है, गुलाबी रंग फैला हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है. हिरवे हिरवे गार शेत है सुंदर साळीचे, झोके घेत कसे सहूकडे हिरवे गालीचे. हरे भरे रंग के हरियाली फैली हुई है, हरे हरे खेत जो कि खूबसूरत चावल के हैं, और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ हिल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, और सब तरफ हरे रंग के गालीचे फैले हुए हैं. हरे रंग के गालीचे दिख रहे हैं. सोनेरी मखमली रुपेरी पंख किती कांचे, रंग किती वर तरे तरे चे इंद्रधनुष्याचे. देखो यहाँ पर परिंदों के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, कोई सोनेरी है, कोई मखमली है, कोई रुपेरी है, अलग अलग रूप के अलग अलग खूबसूरती के पंख यानि पंख पर यहाँ पर परिंदों के दिखाई दे रहे हैं, जैसे आसमान में इंद्रधनुष के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, सप्त रंग दिखाई देते हैं, इसी तरह जमीन पर खेतों पर खेतों में शाम के वक्त परिंदों के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, और उनकी खूबसूरती शाम के मंजर से क्या हो रही है, और ज्यादा बढ़ रही है.